नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियोस देख ली होगी, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है उस चैप्टर से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट्स को वहां पे लिखिए, ताकि मैं उन डाउट्स की एक और वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा नंबरों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग। क्या नाम है? बैंकिंग। और बैंकिंग नंबरों के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको पता होगा कि जिन बच्चों के लिए टारगेट 100 out of 100 का होता है, उन लोगों के लिए 4 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, बहुत इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी चैप्टर कोई भी नहीं है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ बैंकों का इंट्रो है, मतलब हम बैंकिंग के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हमें इंट्रो समझ में आ गया तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने बैंक के अंदर से कुछ एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि बैंक है क्या। हम बैंक पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बैंक हमारे लिए है क्या। तो देखो यहाँ पे आपके सामने आंसर मेंशन कर रखा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है। कैसी संस्था? जिसका क्या मोटिव होता है? जिसका मोटिव होता है लाभ अर्जित करना, मतलब अपने लिए प्रॉफिट कमाना। और उसके प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता है? वो लोगों की जमा को स्वीकार करता है। लोगों की जमा को स्वीकार करता है का मतलब लोगों के पैसे को अपने पास जमा करता है। और क्या करता है? लोगों को ऋण देता है। अब ये ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब होता है उधार। इसको हम साख भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो क्या करती है, जो लोगों के पैसे को अपने पास इकट्ठा करके रखती है और लोगों को उधार देती है। लेकिन किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग क्या है। अब भाई बैंकिंग क्या है? तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग बैंकों की कार्य प्रणाली को कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग बैंकों की कार्यप्रणाली को कहते हैं। मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपके सामने ग्राफ सा बना रखा है ताकि हमें चैप्टर समझने में आसानी हो और हमें जल्दी से चीजें समझ में आ जाए। तो ये जो आपके सामने ग्राफ है ये क्या कहता है? ये जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या कहता है? ये डायग्राम कह रहा है, ध्यान से देखना, ये डायग्राम कह रहा है कि भाई आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? आप बैंक पढ़ रहे हो। और आप बैंक के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो? फर्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ने वाले हो बैंक के अंदर? व्यापारिक बैंक के कार्य। इसका मतलब जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो हमारे लिए क्या कार्य करते हैं, ठीक। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या क्या है। देखो आपके सामने मेंशन है कि कौन कौन से कार्य हैं। एक तो जमा स्वीकार करना, दैट मींस वो क्या करता है? डिपॉजिट लेता है। दूसरा क्या है? ऋण देना, इसका मतलब वो उधार देता है। तो ये तो व्यापारिक बैंक के कार्य है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो वाणिज्यिक बैंक भी होता है, इसको हम वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, और इंग्लिश में कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आएगा वो आएगा साख का सृजन। और साख मैं बता चुका हूं कि ऋण भी होता है, उधार भी होता है, और सृजन का मतलब उत्पन्न करना। और साख को कौन उत्पन्न करता है? साख व्यापारिक बैंक उत्पन्न करता है। कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक क्या होता है और केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं और केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की क्या क्या नीतियां होती है। अब बच्चा कहता है, पीछे वाला लास्ट बेंच जो बैठा हुआ है वो कहता है, सर ये नियंत्रण का मतलब क्या होता है? तो आप इस बात को समझ लो कि नियंत्रण का मतलब होता है कि कब हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा, कौन? आरबीआई। वो क्या करेगा? उस जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में पैसे की पूर्ति को बढ़ा देगा। और जब उसे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए, तब वो क्या करता है, उस पर रोक भी लगा देता है। तो इसके लिए उसने कुछ क्या बना रखी है, नीतियां बना रखी है। जैसे दो नीतियां है, कौन कौन सी नीति है, राजकोषीय नीति है और राजकोषीय नीति है और मौद्रिक नीति है। कौन कौन सी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति है। अब हम इस पे भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और क्या डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जाते जाते, इस चैप्टर के लास्ट में जाते जाते हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापारिक बैंक, इसका मतलब ये वाला बैंक, और केंद्रीय बैंक, इसका मतलब ये वाला बैंक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और बेसिकली हमारे पास दो ही तरह के बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। अब व्यापारिक बैंक क्या होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, मुझे उम्मीद आया है आपसे कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। चलो, शुक्रिया, थैंक यू।